हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी। जैसे आप मुझे जानते हो, मेरा चैनल स्विमिंग बाय मनी, दूसरा चैनल टेक्निकल लवली मनी, जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। पर आई बटन, आई थिंक आई बटन। आज हम बात करने वाले हैं हैंड वर्किंग के बारे में। मुझे काफ़ी कमेंट आते थे, तो आज हम हैंड वर्किंग कवर करेंगे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वीक में हम शायद डूबते को कैसे बचाएं, उसको भी कवर करेंगे। अभी देखते हैं क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। तो चलो आज हम हैंड वर्किंग की सारी एक्सरसाइज बताऊंगा, जो कि स्टार्टिंग से होगी, पानी में नहीं, बाहर ही बताऊंगा सारी। उसके बाद जो अगला सेशन आएगा उसमें मैं पानी में भी बता दूंगा कि पानी में क्या रहता है, ठीक है। पर अगर आप बाहर प्रैक्टिस करते हो तो पानी में हाथ तभी चलेंगे, ठीक है। हम क्या कहते हैं कि हम हाथों की प्रैक्टिस इतनी करते नहीं और पानी में चले जाते, जिसके कारण क्या होता है, जब हमारे हाथ चलते हैं तो पैर नहीं चलते, पैर चलते तो हाथ नहीं चलते। स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम सबको आती है, ये कॉमन प्रॉब्लम है, इतनी खास है नहीं। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो दोनों चीज़ें कंटिन्यू चलने लग जाती है, जब आप नॉन स्टॉप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो। तो आज मैं कुछ प्रैक्टिस बताने वाला हूँ हैंड वर्किंग की, ओनली हैंड वर्किंग की, फ्री स्टाइल के, ठीक है। और हो सके तो मैं सभी स्ट्रोक के बता दूँगा कि कैसे चलते हैं थोड़े थोड़े, बट मेन मेरा फ्री स्टाइल रहेगा, कि फ्री स्टाइल बिगनर को मेन फ्री स्टाइल ही होता है, फ्री स्टाइल में ये हैंड कैसे चलते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और बोल देता हूँ कि इसमें थोड़ी साउंड क्लैरिटी कम आएगी, क्योंकि मेरा माइक है जो एकदम कैमरे के ऊपर पड़ा होगा और मैं थोड़ा दूर खड़ा होऊंगा, तो इसलिए अभी तो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, अदरवाइज़ आपको समझ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने माइक में कर दिया सेट, तो अभी साउंड क्लैरिटी कैसी आ रही है मुझे ये चीज़ नहीं पता, मुझे ये चीज़ बाद में पता चलेगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं सबसे पहले बताऊंगा कि आप जब आते हो पूल में तो आपने एक्सरसाइज क्या करनी है। सबसे पहले आपने एक्सरसाइज राउंड करने हैं, हैंड राउंड करने हैं, ठीक है। इसको आप 50 टाइम कर सकते हो, ऐसे ही आपने बैक करने हैं। उसके बाद स्ट्रेच, हैंड को स्ट्रेच करना है पूरा आगे से, ठीक है। एक बार ऊपर जाना चाहिए एक हाथ, एक बार हाथ नीचे जाना चाहिए। ये एक्सरसाइज किया करो ताकि आपके शोल्डर में क्रैम्प ना आए। क्या होता है कि हम पानी में कूदते हो तुरंत हाथ चलाना शुरू कर देते हैं, केवल यहाँ पे क्रैम्प आ जाता है, केवल बैक में क्रैम्प आ जाता है, ये चीज़ स्वाभाविक रहती है, केवल इस पार्ट में भी क्रैम्प आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपने करनी है, ये हल्की फुल्की एक्सरसाइज है, ठीक है। लेफ्ट राइट ये वाली एक्सरसाइज आपने करनी है, राउंड आपने आगे और बैक में भी करनी है। उसके बाद जो हैंड वर्किंग की एक्सरसाइज है, स्विमिंग वाली एक्सरसाइज है, क्या करना है, आपने सिंपल हैंड स्ट्रेट कर लेने हैं, एक हैंड को घुमाना है, ठीक है, फिर दूसरे हैंड को घुमाना है, ठीक है। ये वाली एक्सरसाइज करनी है 50 टाइम, आप ज़्यादा भी कर सकते हो, पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मिनिमम 50 टाइम तो ये चीज़ करो, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे ना, जो बिगनर है जिसको बिल्कुल नहीं आती वो हैंड सीधा चलाएगा, ठीक है, और जिसको आती है वो क्या करेगा, बॉडी बेंड करके हैंड स्ट्रेट, ये हाथ ऐसे पीछे लेके जाके, पीछे तक जाने के बाद इस हैंड को ऊपर से लेके आना है, ठीक है। ये चीज़, ये सीधा हाथ पीछे। एक चीज़ नोट रखनी है, जब आप स्विमिंग में हाथ चलाते हो तो आपकी फिंगर्स खुलती है, ये चीज़ नहीं खुलनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी फिंगर्स खोल के आप हाथ खींचते हो, जिसके कारण आपका बॉडी है जो आगे नहीं जाती। तो मुझे कमेंट आते हैं, सर हम करते सब कुछ ठीक है फिर भी हमारी बॉडी आगे नहीं जाती, तो आपने फिंगर्स खोलनी नहीं है, बंद रखनी है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है कि जब आप हैंड मतलब कि पानी को खींच रहे होते हैं तो ये जो एंकल है आपका, ये वाला एंकल हमेशा ऐसे हो जाता है, आप सोचते हो कि पानी को हम ऐसे खींचे, इसकी वजह से आपकी स्पीड बढ़ती नहीं है, स्पीड स्लो रहती है। अगर आप ये वाला एंकल को ऐसे करके खींचोगे, ठीक है, इसमें इस पूरी बाजू, ये पूरी बाजू पानी आपका खींच के पीछे मारेगी, जिसके कारण आपकी स्पीड आगे को जाएगी, ठीक है। अब हम एंकल कर देते हैं तो यहाँ पे जो पानी स्टॉप होना है वो निकल जाता है हाथ से, जिसके कारण आपकी बॉडी आगे नहीं जाती, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि हाथ सीधे रखने हैं बिल्कुल, फिंगर बंद रखनी है, ठीक है। ये चीज़ हल्का सा बैंड रहेगा अंदर मतलब की यहाँ पे पानी भरने के लिए थोड़ा ऐसे मत रखना हाथ, कई लोग ऐसे रखते हैं अकड़ा के, ये ऐसे नहीं, ऐसे, ठीक है, हल्का सा, ठीक है, लाइक दिस, ओके। तो ये हाथ आपके ऐसे चलेंगे, ठीक है, ये चीज़ जब आप पानी में हट बोगे, हल्का सा हाथ पानी के अंदर जाएगा, क्या करना है, बॉडी बैंड कर लेनी है, स्ट्रेट सामने देखना है, ठीक है, सॉरी, बॉडी बैंड सामने, ठीक है। उसके बाद आपने ये चीज़ हाथ ऐसे लेके जाना, पूरा स्ट्रेट होने देना है, पूरा हैंड स्ट्रेट होगा, फिर आपने बैक जाना है, जब ये बैक से आएगा इसको फोल्ड करके लेके आना, ठीक है, इससे आपका टाइम भी बचता है और जब आप सीधा करते हो तो बॉडी आपकी नीचे नहीं जाएगी, ठीक है। इसको आप कई लोग ऐसे लेके आते हैं ऐसे, ये गलत मूवमेंट है, ठीक है। इसको पीछे करने के बाद आपने फोल्ड करके फिर आगे फेंकना है, आगे जब तक ये बाजू सीधी नहीं होती तब तक पानी के अंदर ना जाए, क्योंकि क्या करते हैं हम पानी के अंदर एसिड बो के सीधा करते हैं ना, ये चीज़ गलत है, पानी में डुबो के सीधा करना ये चीज़ गलत है। आपने ये बाजू सीधी ले आके ये हाथ आएगा फिर पूरा आगे, इस हाथ से आगे आपने पानी में फेंकना है इसको, ठीक है। रीज़न क्या होता है कि जब आप यहाँ पे फेंकते हो तो ये पूरा हाथ खींचा नहीं जाता, जहाँ पे ये वैसे नॉर्मल गिरना होता है उतना तो ये वैसे ही पहुँच जाता है, ठीक है, स्ट्रेट है, पीछे से आएगा, पीछे से हाथ आएगा, ये इससे आगे जाएगा, इससे आगे पानी में जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आएगा फिर पानी में जाएगा, ये चीज़, ठीक है, ये चीज़,
पीछे तक पूरा स्ट्रेट हो जाना चाहिए, दोनों हाथ ऐसे स्ट्रेट हो जाने चाहिए, ठीक है। ये चीज़ ये आएगा, ये चीज़ देखो, ये जी पानी ऐसे खींचेंगे हम, पानी को ऐसे खींचते हैं जिसके कारण हमारी बॉडी ऊपर और आगे कम जाती है, ठीक है। रीज़न क्या होता है, जब हम नीचे मारते हैं तो बॉडी ऊपर आती है, ठीक है। जब यहाँ पे इस एंकल पे आ जाती है फिर हमारी बॉडी आगे जाती है, और जब आप ऐसे खींचोगे तो पूरा का पूरा इतना पार्ट सारा आगे को ही पुश करेगा, ठीक है। ये छोटी छोटी टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसके कारण हमारी स्पीड बढ़ती है, जोर कम लगता है और हाथ भी कम बचते हैं, जिसके कारण हम कम थकते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट कोई भी नोट नहीं करता, तो मैंने सोचा कि नोट करवा दूँ, पर ये प्रोफेशनल के लिए, अगर आप बिगिनर हो तो आपके हाथ स्टार्टिंग में सीधे ही चलेंगे, ठीक है। आप स्टार्टिंग में ये चीज़ की प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, अगर कर पाओ तो आप बहुत बढ़िया रहोगे, ठीक है। उसके बाद जब आप हाथ चलने लग गए, उसके बाद आप इजीली अपना क्या कहते हैं वर्किंग करोगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ भी मैं कम हाथ मार के भी काफ़ी दूरी तय कर रहा हूँ, ठीक है। नोट करना, जब चाहे आप ऐसे स्विमिंग कर रहे हो, चाहे स्कूल में ऐसे स्विमिंग कर रहे हो, उसमें आपने हमेशा नोट करना है कि कितने पैर बज रहे हैं, मतलब कि कितने हाथ हैंड चल रहे हैं, मतलब कि आपने 8 हाथ मारे या 10 हाथ मारे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये आपको नॉर्मल हैंड वर्किंग समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब क्या करना है, जो मुझे कमेंट करते हैं कि मैं हैंड चलाता हूँ, मैं फ्लोटिंग नहीं करता, मेरे पैर नीचे डूब जाते हैं, तो आप क्या करते हो कि कमर को ना हल्का सा बेंड रखते हो, कमर को एकदम स्ट्रेट रखो, ठीक है। चाहे वो बैक फ्लोटिंग है, चाहे वो फ्रंट फ्लोटिंग है, कमर को स्ट्रेट रखना है, ठीक है। हल्का सा ये पोर्शन हल्का सा टाइट हो जाता है जब हम उल्टे होते हैं, ठीक है। बल्कि जब हम ऐसे होते हैं तो ये पोर्शन हल्का सा टाइट होता है, जिसके कारण हम फ्लोट कर पाते हैं, ठीक है। हम एकदम लूज ऐसे छोड़ देते हैं ना, वो थोड़ा लेग्स को बेंड कर देता है। अगर हल्का आप टाइट रखोगे तो फ्लोटिंग हो जाएगी अच्छे से, ठीक है। तो हैंड वर्किंग में सबसे पहले क्या करना है, आपने सिंपल हाथ घुमाने हैं, ठीक है, सीधे खड़े रह के। उसके बाद बैंड रह के आपने ये बैंड जो होना है, जो पूरा स्ट्रेट बैंड होना है, मतलब कि लाइक दिस इतना बैंड होना है और हाथ स्ट्रेट, ठीक है। आप ये चीज़ ऐसे करनी है आपने, ठीक है, क्योंकि पानी में हम ऐसे चलते हैं ना, ये चीज़ आपने ऐसे करनी है। देखो ये हाथ ऐसे पीछे स्ट्रेट, ये हाथ स्ट्रेट, ठीक है। और दूसरी गलती क्या करते हैं, जब आप हाथ हैंड चलाते हो तो ये हैंड ऐसे फोल्ड रहता है, ठीक है, ये हैंड फोल्ड रहता है, ऐसे ऐसे फोल्ड रहता है, आप ऐसे ऐसे करते हो ऐसे। इस हाथ को पूरा स्ट्रेट रखना है, लाइक दिस स्ट्रेट, और ये हाथ भी पूरा स्ट्रेट। पीछे से जाने के बाद सपोज करो आपने एक हाथ इतना मारा, एक हाथ इतना मार रहे हो, मतलब ये भी हाथ फोल्ड हो गया, ठीक है, इतनी दूरी क्या कम होगी, ठीक है। उसके बाद ये भी हाथ यहाँ तक ले आके फिर इसको निकाल लेते हैं। कई जने बिगिनर तो खासकर यही करते हैं, पर काफ़ी प्रोफेशनल भी ये करते हैं, मतलब कि जो मैं देखता हूँ अपने पूल में, वो क्या करते हैं, हाथ तेज चलाते हैं पर इतना हाथ चलाते हैं, ठीक है, बल्कि इतना एरिया कवर करते हैं, इतना एरिया, पर मेरे हिसाब से ये एरिया इतना कवर हुआ, जिसके कारण आपके सीधे सीधे 6 से 4 हाथ कम हो जाते हैं। बल्कि सपोज करो आप रेस कर रहे हो और आप वहाँ पे 20 हाथ मार रहे हो, वहाँ के आपके सिर्फ 12 हाथ बजने होते हैं जोर मार के, 12 या 14, इससे ज़्यादा हैंड नहीं बजने होते 50 मीटर पूल में, 50 मीटर बोल गया 25 मीटर पूल में सिर्फ जाने जाने में, ठीक है। इससे भी कम हैंड में आपका इजीली स्टार्ट ख़त्म हो जाएगा। जब आप डाइविंग अच्छी लोगे तो आपका जो सेंटर से थोड़ा सा पीछे रहता है, मतलब कि 15 मीटर आप कवर कर सकते हो डाइविंग में, उससे ज़्यादा जाओगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, पर 15 मीटर कोई नहीं कवर करता, 12, 14 इतना कवर किया जाता है प्रोफेशनल में, जैसे कि ओलंपिक में होते हैं वो भी इतना ही कवर करते हैं, पूरा 15 मीटर कभी नहीं कवर करते, ठीक है। दूसरी बात क्या है, जब आप डाइविंग मारते हो तो आप मतलब कि जो पूल होता है उसका आप इतना हिस्सा, तीसरा हिस्सा तो आप कवर कर जाते हो डाइविंग के साथ, उसके बाद थोड़ा सा हिस्सा रहता है जिसमें आपने कुछ समरसॉल्ट से कवर हो जाता है, ठीक है। तो उसमें आपके कम से कम हाथ बजने चाहिए, अगर आप कम हाथ मार रहे हो तो आपको सोच लो कि आपकी कोई भी कमी नहीं है, आप सही कर रहे हो एकदम। जब आप कम हाथ में ज़्यादा दूरी तय करने लग जाओगे, बस उसमें स्पीड डालने के लिए क्या करना होगा, तो याद रखना है जब आप हाथ पीछे तक पानी में जाने के बाद इसको ऐसे प्रेस करोगे ना, देखिए ऐसे प्रेस करोगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड बढ़ेगी और टाइम अच्छा आएगा। मतलब कि आप सपोज करो आप 25 मीटर में 17 टाइम दे रहे हो या 20 दे रहे हो या 16 दे रहे हो, तो ये चीज़ आपका ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। अब सपोज करो कहाँ आप इतने हाथ मार रहे हो 20, कहाँ इतने मार रहे हो आप 16 या 14, ठीक है, तो कितना फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो ये चीज़ याद रखनी है, आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, और कुछ और रहता है तो मुझे कमेंट में बता देना। हैंड मूवमेंट मैंने बता दिया, फिंगर्स खोलनी नहीं है, फिंगर्स बंद रखनी है, ये थे फ्री स्टाइल के, ठीक है। ब्रेस्ट के थोड़े से बता देता हूँ, ब्रेस्ट में क्या करना होता है, हमारी चेस्ट के हाथ ऊपर रहते हैं, नीचे नहीं जाते, मतलब कि हम ब्रेस्ट सीधा हाथ करके खोल के पीछे ले आके फिर चेस्ट से करते हैं, मतलब कि आप सपोज करो आप ब्रेस्ट स्ट्रोक करो, ये आएगा ऊपर सांस लेते हो फिर आगे जाएगा, ये आएगा ऊपर सांस लेते हो, ये जाता है। ब्रेस्ट स्ट्रोक में ये हैंड चलते हैं, और बैक में क्या चलता है, बैक में आप जैसे फ्रंट में चलाते हो सेम बैक में ऐसे चलेंगे, लाइक दिस बैक, बैक में ये हैंड चलते हैं, लेकिन
सिंपल पीछे आप ऐसे ऐसे बैक में हाथ चलते ना, बैक में ऐसे हाथ कभी नहीं चलते, बैक में ये हाथ नीचे जाता है, इतना नीचे जाने के बाद प्रेस होता है ऐसे, ठीक है, उनके एक किस्म का एस बनाते हैं हम, ठीक है, ये पूरा बैंड जाता है, फिर यहाँ से एस बनाते हैं, ये चीज़ एस बनाते हैं। उसके बाद बटरफ्लाई में कैसे चलते हैं, सिंपल आप सीधा भी खींच सकते हो, बट जब हम पानी में होते तो ये हाथ ऐसे हल्के से होके फिर ऐसे आते हैं, ऐसे यहाँ बटरफ्लाई में गए पानी में हाथ ऐसे डायरेक्ट हुआ, फिर ये प्रेस। वैसे जो प्रोफेशनली होते हैं, जो बहुत जिनमें बाजुओं में ज़्यादा जान होती है, वो कंटिन्यू ऐसे चलाते हैं, कंटिन्यू ऐसे चलाते हैं, बट हल्का सा हैंड मूवमेंट ऐसे होती है, ऐसे होने की वजह से हम ऊपर आ जाते हैं, फिर हाथ मार के फिर अंदर चले जाते हैं, हाथ मार के फिर अंदर चले जाते हैं, ऐसे करने के बाद वेव एंड डॉल्फिन। मतलब कि बटरफ्लाई में क्या होता है, हाफ डॉल्फिन होती है, मतलब कि फुली पूरी डॉल्फिन होती है, पर हाफ डॉल्फिन ज़्यादा चलती है, हाफ तो डॉल्फिन ही चलेगी, मतलब कि कमर को आपको सीधा करके आपने कमर को ऐसे 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 हिलाना होता है, डॉल्फिन के ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, सारे मैंने हाथ हैंड मूवमेंट बता दिए, पर प्रोफेशनली सिर्फ फ्री स्टाइल बताए हैं कि कैसे इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपने ये वाली प्रैक्टिस करनी है जो कि मैंने बता दी है, ठीक है, उसके बाद आपने सिंपली करनी है ये वाली प्रैक्टिस, ठीक है। ये हाथ याद रखना कि ये शोल्डर आपका पीछे हो जाए, फेस सीधा रहे, ठीक है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये टच रहना चाहिए, आपका जो कान है आपके बाजू के साथ टच रहना चाहिए जब आप बैंड करके करोगे, ठीक है। अगर आप बैंड करके टच करोगे तो इसी चीज़ की आपको आदत पड़ जाएगी, जिसके कारण सांस लेना आसान हो जाएगा। तो आज का टॉपिक यहीं पे काफ़ी है, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और ऐसे टॉपिक मिलने के लिए अगर आप चाहते हो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, बेल आइकन पे क्लिक कर देना सब्सक्राइब करने के बाद, और टेक्निकल लवली मनी भी कर देना, क्योंकि उसके ऊपर मेरी स्विमिंग की बोल दिया, मोबाइल की अनबॉक्सिंग की वीडियो आती है। तो बस डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप है, अगर आप और कुछ पूछना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो, और फेसबुक पेज को भी लाइक कर देना, फॉलो कर लेना। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू वॉच द फ्रेंड्स। ये चैनल है मेरा स्विमिंग बाय मनी, जिस पर आप वीडियो देख रहे हो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जिसमें मैंने हैंड की प्रैक्टिस बताई है। ये है टेक्निकल लवली मनी, जिसमें मैं मोबाइल की अनबॉक्सिंग लग करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। वीडियो में साउंड क्वालिटी कम थी तो उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स।